सुबह ने लिया हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त अर्पण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फंड में। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। सो लार्ज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है किसके लिए? ह्यूमंस की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, राइट? सो ये किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है? ऑब्वियसली जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है सो वो किसके द्वारा की जाती है? किसी फॉर्म द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, राइट? सो उसमें कौन कौन से फंक्शन? सो हमें पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, जिसमें लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है और एंटरप्रेन्योर होते हैं, राइट? सो ये चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, किसके लिए इंक्रीज करें? ऑब्वियसली हम ह्यूमन के वांट्स को, डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए। जब उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है सो हमारी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाती है। सो चेंजेस किस में आते हैं हमारे? ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारी चेंजेस आते हैं। वो किस तरह से? अब देखो, अगर हमें किसी की डिमांड को फुलफिल करना है, अगर इंक्रीज हो रही है डिमांड, सो ऑब्वियसली हमारे पास जितनी लैंड लेबर होगी, या लेबर हमारे पास लेबर होगी, टेक्नोलॉजी होगी, सो हम उसको चेंज करेंगे, राइट? सो इसके चेंज करने से हमारे प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ता है, कितनी इंक्रीमेंट होती है, सो इस सबको बेसिकली हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? सो प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली हमारे क्या आ जाते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो इसका दूसरा मीनिंग हम समझते हैं कि जब कोई इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? अब बीच में क्या हो रही है प्रोसेस, अब ये मत समझना पड़ना कि ये कंप्यूटर को कॉन्सेप्ट है। नो, बेसिकली हम कंप्यूटर में भी यही करते हैं, इनपुट देते हैं देन हमें आउटपुट मिलती है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं सो ये क्या है? फिजिकल है, राइट? सो इसमें हमने प्रोडक्शन इनपुट दी, उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन उसके आउटपुट मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं सो एग्रीकल्चर में भी सेम होता है कि वो फार्मर्स क्या करते हैं, किसी भी फसल को जब उगाते हैं पहले उसको अच्छे से उसकी खेती करते हैं, राइट? सो लास्ट में क्या होता है, जो भी चीज़ उन्होंने उगाई होती है, जिस भी चीज़ की उन्होंने खेती की होती है, लास्ट में उसको उसका रिजल्ट मिलता है, राइट? सो क्या होता है कि वेट में प्रोवाइड की जाती है, राइट? सो इसी तरह से इनपुट वो देता, पहले हमें क्या देनी पड़ती है? हमें इनपुट देनी पड़ती है। फार्मर क्या करते हैं, पहले उस चीज़ को उगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको खाद देते हैं, उसे जो भी उसको चाहिए होता है वो उसको सब प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन कि वो क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, एंड लास्ट में उनसे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलती है। कैसे? वीट के रूप में, राइट? सो हमें कनक प्रोवाइड होती है, राइट? सो वो क्या है, एक तरह से आउटपुट मिलती है, राइट? सो इसी तरह से वो कहता है कि प्रोडक्शन है क्या बेसिकली, कि जब हम कोई इनपुट देते हैं या फिर रॉ मटेरियल को एंटर करके हम फिनिश को तक लेके जाते हैं, राइट? सो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं सो बेसिकली हम क्या करते हैं, वो पहले रॉ मटेरियल होता है, राइट? सो पहले वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है, राइट? सो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके कि प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट कर दिया जाता है इन आउटपुट, यानी कि फाइनल गुड, राइट? उसको फाइनल गुड। सो इस चीज में, यानी कि रॉ मटेरियल और फाइनल गुड्स के बीच में जो कन्वर्ट करने का फंक्शन है, जिसने उसको बेसिकली कन्वर्ट किया है, रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट नहीं कर दिया, राइट? सो उसमें कौन कौन से फंक्शन यूज हुए, कौन कौन से फैक्टर यूज हुए, सो इस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्योरली अ टेक्निकल रिलेशन विच कनेक्ट द फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है जी? सो ये क्या है, एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट में, ऑब्वियसली जब आप चीज़ को इनपुट देते हो सो उसको प्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या मिलती है, उसकी आउटपुट मिलती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन, क्लियर? सो अब हम बात करेंगे इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, वो कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। सो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कौन कौन सी टाइप्स होती है। दो तरह की टाइप होती है इसमें, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। सो ये क्या होता है,
शॉर्ट पीरियडली क्या होती है, कुछ फिक्स होती है, कुछ वेरिएबल होती है। अब हमें पता है कि फंक्शन ऑफ, अगर हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, सो वो कौन कौन से, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कुछ फिक्स है और कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब फिक्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हमें फिक्स रखना है, यानी कि जो लैंड है ये परमानेंट फिक्स होती है, इसको हम बार बार चेंज नहीं करते हैं, चाहे हो शॉर्ट टर्म चाहे हो लॉन्ग टर्म। सो उस केस में हम लैंड को तो चेंज नहीं करते, हम बार बार लैंड को खरीदने नहीं बैठते, राइट। सो इस टाइम पे वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। यहाँ पे फिक्स क्या हो जाती है, हमारी लैंड, राइट। लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में हम कौन कौन सी चीज़ें चेंज करते हैं, हम यहाँ पे कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं, हम लेबर भी चेंज करते हैं, राइट। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है सो हम लेबर को ज़्यादा कर देंगे, अगर हमें कम प्रोडक्शन करनी है सो हम क्या कर देंगे, लेबर्स को कम कर देंगे। और उसी तरह से हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो देना पड़ेगा, राइट। सो उस केस में वो भी कोई फिक्स तो रहता नहीं है, राइट, वो चेंज होता रहता है। अगर मंथली अगर आपका बिल देखा जाए सो वो चेंज होता है। सो उसी तरह से फॉर्म को भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज करना ही पड़ता होगा ना। सो उस केस में क्या होता है, ये फिक्स नहीं है, ये है वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है, राइट। सो यहाँ पे आप कर सकते हो, बिल्स को ऐड कर सकते हो, राइट, जो कि वेरिएबल है, ये चेंज होता ही रहता है। लेबर को ऐड कर सकते हो क्योंकि लेबर भी चेंज कर सकते हो, राइट। सो शॉर्ट टर्म की बात की जाए सो इसमें क्या होती है, जो आपकी कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड के बारे में। लॉन्ग पीरियड इन द सेंस कि अगर आपको प्रोडक्शन जो है वो लॉन्ग रन को लेके चलना है, लॉन्ग रन इन द सेंस कि आपको उसका मोटिव जो है वो आपने लंबे समय तक रखा हुआ है, राइट। इसमें कुछ सीजनल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि नई सीजन के आने से इसमें काम कम हो जाएगा, नो। इसमें आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव को लेके चलना है, राइट। अब लॉन्ग रन में वो बात करता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो सकते हैं। अगर हमें कोई बिग गोल को अचीव करना होगा सो उस टाइम पे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था शॉर्ट टर्म में कि हम फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारा गोल क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट। सो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन के अगर हम पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं सो उसमें हमारे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो सकते हैं, एंड वेरिएबल सो ऑब्वियसली वो चेंज हो सकते हैं। सो ये दो तरह के हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के टाइप्स हैं, शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, ओके। अब इसके थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। सो अभी हमने क्या पढ़ा है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। कौन कौन से होते हैं, फिक्स होते हैं एंड वेरिएबल होते हैं। सो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज। अब शॉर्ट टर्म में क्या है, जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, राइट, कैन नॉट बी चेंज, चेंज नहीं होंगे, राइट। लेकिन लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं सो उसमें क्या होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनको प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करनी होगी, अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होगा सो उस केस में अपनी वो प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकते हैं, राइट। सो वो फैक्टर ऑब्वियसली वो फैक्टर्स को ही चेंज करेंगे, राइट। सो उसके बाद है सेकंड पॉइंट है, ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज। अब इसमें क्या है कि सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर है वही चेंज होंगे, राइट। सो वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से थे, यहाँ पे हमारी लेबर थी, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो भी तो वेरिएबल ही है, वो फिक्स तो रहता नहीं है, राइट, चेंज होता रहता है। सो यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज होते रहेंगे। लेकिन अब जो लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो कहता है कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज। यहाँ पे वो कहता है कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, ऑब्वियसली। अगर हमें ज़्यादा इंक्रीज अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है सो उसमें हमें हर किसी चीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो उससे जो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर हैं वो दोनों ही इंक्रीज होंगे, दोनों ही चेंज होंगे, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम फिक्स पीरियड प्रोडक्शन की बात करते हैं सो इसको कैलकुलेट, इसको मेजर करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं रिटर्न टू फैक्टर, राइट। सो लॉन्ग टर्म पीरियड में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल,
राइट सो ये दोनों चीजें क्या होती है, रिटर्न टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. राइट सो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इन अ वेरिएबल प्रोपोर्शन. वही अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फिक्स प्रोपोर्शन. राइट सो इसमें क्या है, चेंजेस हो इन सभी चीजों में, चाहे वो फिक्स है चाहे वो वेरिएबल है. लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं सो इसमें चेंजेस कहाँ पे होंगे, सिर्फ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में. सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. राइट